हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज शुभ नवमी है, आप सबको शुभ नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैंने कुछ अलग तरीके से अपना गेटअप लिया है, एकदम प्योर बंगाली स्टाइल आप देख सकते हैं। और आज मैं जाने वाली हूँ, हमारे घर के सामने एक मंदिर है, वहाँ पे थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाने के लिए और देवी माँ को प्रणाम करने के लिए। तो चलिए मेरे साथ, आप लोग भी चलिए और कमेंट में शेयर कीजिए कि आप लोगों को ये चैनल कैसा लग रहा है। और जो लोग नए हैं, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और बाकी सब आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं हमारे इस दुर्गा पूजा फेस्टिवल पे। दुर्गा पूजा हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा उत्सव है, इसलिए इसमें सजने धजने का भी मन होता है। अभी मैं अपना पुष्प पात्र सजा के उसमें फूल जो बोलते हैं स्थलपद, उसको लेके मैं माँ दुर्गा के चरणों में अर्पण करने वाली हूँ। तो आप मेरे साथ चलिए कि मंदिर जो मैं जिसमें मैं जा रही हूँ वो एकदम ही सामने है, और ये हमारे नेबर हैं जहाँ पे ये उनका एक गृह मंदिर है। और वहाँ पे इस बार ज़्यादा बड़ा पैंडल कुछ भी ऐसा बना नहीं है, क्योंकि कोरोना के चलते उन लोगों ने भी सोचा कि ऐसा आयोजन करने से लोगों का भीड़ होगा, समागम होगा, तो इसको छोटे तरीके से ही अपने गृह मंदिर में ही वो लोग अपना पूजा कर रहे हैं इस साल। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ फल प्रसाद का आयोजन किया जा रहा है, साथ में ही भोग प्रसाद का भी आयोजन पासी में हो रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि माँ दुर्गा को कैसे पवित्र रूप से यहाँ पर भोग बना के माँ दुर्गा को नवमी के दिन चढ़ाया जा रहा है। तो व्यूअर्स, हमारी ये जो मंदिर है ये गृह मंदिर है, और ये यहाँ पे माँ काली की पूजा होती है। यहाँ पे घर के सारे लोग ये खुद ही पूजा करते हैं, और ऐसे ही सार्वजनिक बाहर बड़ा पैंडल लगाकर भी पूजा होता है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते ये छोटा सा ही हो रहा है, पूजा घर में ही हो रहा है। तो चलिए हम लोग जानते हैं ये पूरा जो मंदिर है कितने साल पुराना है, और कैसे इसको इतने सालों तक घर के लोगों ने इतने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इन्हें जो आप देख रहे हैं यह है जेठी मुनि, इनका ही ये घर है और ये मंदिर है, और बहुत सालों से इनके बेटे और बहुएं इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं। और इस मंदिर को जेठू ने, मतलब जेठी मुनि के पति ने सपने में पाया था। তখন এই ফুলটা হাতে নিয়ে সবাইকে যে যারে যারে দিছে সব লাখ প্রতি ধনী হয়েছে, নিজের জন্য একটা পাপড়ি রাখা নাই, আমার টাকা পয়সা লাগে না, তোমার লাগে এই সব সব ওইটাই ওভাবে। তার তো ভিউয়ার্স আপ দেখ সকতে হ্যায়, হাম জেঠিমুনি বলতে হ্যায় উনকো, মতলব আপ সমঝতে হি হোঙ্গে, জেসে কি बड़े भाई, मतलब पिताजी के बड़े भाई की वाइफ, तो ऐसे ही संपर्क है, ये मेरे ससुराल के तरफ से हैं और हम उन्हें बहुत ही प्यार करते हैं। जैसे कि ये इतने सालों से ही पूरे परिवार को एकजुट करके रखी हुई है, तो ऐसे ही पूजा हर साल होता रहे इस घर में। तो अगले साल अगर मिले मौका तो हम फिर से वीडियो बनाएंगे यहाँ का। तो आपको बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं नवमी की। जेठीमुनि सुस्थ थाकबेन, भालो थाकबेन। एक तरफ पूजा चल रही है और दूसरे तरफ भोग प्रसाद की तैयारी।
उफ, इस पूजा में भोग खाने का अलग ही मजा है, शायद आप सबको पता होगा। अभी देवी माँ को अंजलि देने के बाद अभी करती हूँ रात की तैयारी और रात को हम लोग सब निकलेंगे पूजा देखने के लिए। तो आज की ये वीडियो मैं यहीं तक अंत करती हूँ और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक टाटा एंड बाय बाय।